हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी राइस फ्लावर का बड़ा, बहुत इजी से बन जाता है, खाने में बहुत स्वादिष्ट है। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। राइस फ्लावर का बड़ा बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक कप राइस फ्लावर लिया, एक कप कड़वा दही फेट के रखा। फ्राइंग के लिए ऑयल यूज़ करूँगी। आधा कप हरे धनिया बारीक चॉप करके रखा, 2 इंच अदरक बारीक चॉप करके रखा, 4 ग्रीन चिली बारीक चॉप करके रखा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच जीरा। कढ़ाई ले लिया, जो दही को फेट के रखा वो ऐड कर दिया। और आधा कप पानी भी ऐड कर दिया, जो राइस फ्लावर लिया वो ऐड कर देती हूँ। और अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेती हूँ। और एक कप पानी ऐड कर दिया और अच्छी तरह से लम फ्री बेटर तैयार कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। गैस पे गर्म होने के लिए रख दिया। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जीरा, ग्रीन चिली और जिंजर, जो जिंजर व अदरक जो कट के रखा था ऐड कर दिया। और अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करते जाने का और बॉईल करते जाने का। अच्छी तरह से ऐसे मिलाते जाने का। बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। साथ में जो हरा धनिया लिया वो भी ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स करके इसे मिलाते जाने का, एक डो का फॉर्म में आ जाएगा। इसे जब भी डो के फॉर्म में आ जाएगा तभी गैस बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। जब भी ऐसे डो के फॉर्म में आ जाएगा तभी गैस बंद करके ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। बड़ा का जो मिश्रण बनाया ठंडा हो गया, अभी बड़ा का जैसा बना लूँगी। और बीच में एक होल करके ऐसे बहुत अच्छी से ऐसे ही सारे बड़ा पहले बना के तैयार कर लेती हूँ। बड़ा बना के तैयार किया, चलते हैं फ्राइंग के लिए। ऑयल गर्म होने के लिए रख देती हूँ। ऑयल गर्म हो गया, अब जो बड़ा बना के रखा ऐड कर देती हूँ फ्राइंग के लिए। एक साइड अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद फ्लिप करूंगी। एक साइड अच्छी तरह से फ्राई हो गया, अब फ्लिप कर लेती हूँ। दोनों साइड कलर चेंज होने तक फ्राई कर लूंगी। एक साइड अच्छी तरह से फ्राई हो गया, अब फ्लिप कर लेती हूँ और दोनों साइड अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेती हूँ। दोनों साइड अच्छी तरह से फ्राई हो गया, अभी टिश्यू पेपर में निकल के रखती हूँ। सेम प्रोसेस में सारे राइस फ्लावर बड़ा को फ्राई कर लेती हूँ। सारे राइस फ्लावर का बड़ा बन के रेडी हो गया, टिश्यू पेपर में निकल लिया। अभी प्लेटिंग कर लेती हूँ। एक बड़ा तोड़ के भी दिखाते हो कितना क्रिस्पी बना और अंदर से बहुत सॉफ्ट, बहुत खाने में टेस्टी है। टेस्टी डिलीशियस राइस फ्लावर का बड़ा बन के रेडी हो गया। ग्रीन चटनी और मीठे चटनी के साथ सर्व किया। ऐसे बनाइए और आप लोग के एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।